अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं जिसके लिए उलमा मुख्तलिफ टाइम पे कुछ ना कुछ हल पेश करते हैं। आज एक हमेशा आज के ज़माने में एक नया मसला है जिसके बारे में मैं कुछ तारुफ पेश करूँगा और एक वीडियो सीरीज़ बनाना है और ये उसका तारुफ रहेगा और उसके आगे एक वीडियो की सीरीज़ रहेंगी जो किस्तों में चलेंगी, वो आप लोगों को ज़रूर देखना है। वो ये है कि इस कोर्स की ज़रूरत, ये जो इस्लामिक कोर्स मैं शुरू करना चाह रहा हूँ मुसलमान नौजवानों के लिए और आम मुसलमानों के लिए, तो इस कोर्स का इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन को देखे बगैर आप दूसरी सीरीज़ आगे की नहीं देखें। अगर ये इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें क्यों तो आपको फिर वो समझ में आसानी से आएगा, इसलिए इंट्रोडक्शन तकरीबन लंबा चलेगा मगर आपने इसको ज़रूर देखना है। आप अगर इसको देखेंगे तो फिर आपको आगे का समझ में आएगा। एक मसला है मुसलमानों का और जो उसके अंदर आपको जो है तो वो बता दिया जाएगा। और ये कोर्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, इसकी माहियत क्या है और इसकी तासीर क्या है, ये सब बताएंगे। आज मुसलमानों की अक्सरियत इस्लाम की ज़रूरी तालीमात से नावाकिफ़ है। आम मुसलमान चाहे किसी भी उम्र के हों, उनको इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है। हालांकि आज सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पर अखबारात में, सोशल मीडिया पर और हमारे उलमा के ज़रिए मस्जिदों में और जुम्मा के दिन और मुख्तलिफ इस्लामी प्रोग्रामों के ज़रिए से ये अमका फेस्टिवल, टमका फेस्टिवल, कुरान फेस्टिवल, हदीस फेस्टिवल, किताब मेला और ऐसे फेस्टिवलों में प्रोग्रामों के ज़रिए से मुसलमानों तक इस्लाम की तालीमात पहुँचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के दिमाग में इस्लाम के नाम पर मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़खीरा जमा हो गया है मगर इस्लाम की असल रूह तक मुसलमानों की रसाई नहीं है। मुसलमान कौम एक कन्फ्यूजन की कैफियत में है क्योंकि उनको जो मालूमात मिल रही हैं उनमें रब्त यानी कनेक्शन नहीं है और उनमें तसल्सुल यानी कंटिन्यूटी नहीं है। मालूमात तो बहुत मिल रही है, दिमाग में बहुत इस्लामी ज़खीरा जमा हो रहा मगर उसमें रब्त नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है और उसमें जो है तो कनेक्शन नहीं है। इसके वजह से उनके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है जिसकी वजह से मुसलमान लोगों के जहन में कन्फ्यूजन की कैफियत हो गई है। मुसलमानों के जहनों में कन्फ्यूजन है, ये कैसा मालूम हुआ है, कैसा मालूम है कि कन्फ्यूजन है, ये मालूम हुआ मुसलमानों के प्रोफाइल देखने पे, सोशल मीडिया पे, इस पे उस पर जब प्रोफाइल देखते हैं मुसलमानों की बातें सुनने और मुसलमान नौजवानों के सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने से ये मालूम होता है। मुसलमान नौजवानों ने उर्स, मुहर्रम, सदका, खैरात को ही इस्लाम समझ लिया है। मुसलमान नौजवानों की सोशल मीडिया पोस्टों पर यही होता है, कभी ये दिखाते हैं कि किस तरह एक नौजवान ने किसी गरीब मोहताज की मदद की और दुआ ली, कभी ये दिखाते हैं कि माँ बाप की किस तरह हालत है, कभी ये दिखाते हैं कि कुरानी अमलियात और वजीफे पढ़ने से क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, और कभी उरस और कभी दरगाहों के मनाजिर, कभी टमाटर को काट के उसमें से अल्लाह का दिखाते हैं कि नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, कभी दिखाते हैं कि रोटी के ऊपर जब पकी हुई होती जली हुई उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद लिखा हुआ, कभी बकरी या गाय या किसी जानवर के जिल पर जो डिज़ाइन बने रहते उसमें उनको अल्लाह नज़र आ जाता और मोहम्मद लिखा हुआ नज़र आ जाता, ऐसे जिस्म पर दिखाते रहते, और कभी आसमान में बादलों में ऐसी चीज़ें। यह हुआ मुसलमान नौजवानों के सोशल मीडिया के पोस्टों का हाल। अब मुसलमान उलमा जो मस्जिदों में पढ़ाते हैं उनका हाल देखें, वो उलमा छोटी छोटी बातों को बहुत अहमियत देते हैं और इस्लाम की असल रूह की उनको अभी खबर ही नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेके मसले मसाइल बना देते, ये उलमा करते, तो असल में उनको क्या है, असल इस्लाम की रूह की कोई नहीं है। तो ये सब देखने से मालूम होता है कि मुसलमानों को इस्लाम की असल तालीमात का सिरे से है ही नहीं, हालांकि मालूमात बहुत जमा हो गई मगर इस्लाम की रूह तक नहीं पहुंचे। और इस्लाम की इस रूह तक पहुंचने के लिए एक ये जो है वीडियो सीरीज बनाएंगे इंशाल्लाह और आप इसका ये तारुफ है, आप इसको देखना, आप ये तारुफ सुनना और देखना ज़रूर आपके लिए ज़रूरी है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, किसकी ये कन्फ्यूजन की, आजकल मुसलमान रोज़ी और रोटी के लिए ये ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, तो मुसलमानों में कन्फ्यूजन और दीन का इल्म क्यों नहीं है, इसकी वजह यह है कि आजकल मुसलमान रोज़ी रोटी के लिए ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं और इस्लाम को सीखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। और मुसलमान नौजवान नस्ल स्कूलों के प्रोजेक्ट, जो बच्चे हैं स्कूल मुस्लिम नौजवान, वो स्कूलों के प्रोजेक्ट बनाने में, ट्यूशन में, क्लासेस में पूरा दिन ख़त्म कर देते हैं। और 10वीं और 12वीं के बाद मेडिकल में दाखिला, BHMS है, MBBS है, BDS है और मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिले के लिए इतना मसरूफ़ होते हैं कि खाना खाने के लिए बड़ी मुश्किल से उनको जो है ना फुर्सत निकालना पड़ता है। इस्लाम कब सीखेंगे? और सबसे बड़ा बुरा हाल मुसलमान लड़कियों का है, सबसे बुरा हाल मुस्लिम लड़कियों का है।
क्योंकि मुसलमान लड़कियों को घर में काम भी होता है और स्कूल के काम भी होते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट और मेडिकल की तैयारी ये सब उनको करना पड़ता है, और उसका इस्लाम के तालीम उनके कुछ भी नहीं मिलती, सिर्फ जो है तो कलमा सीखते, माँ दादी खाला वालिद के जोर पे ज़बरदस्ती से नमाज़ पढ़ते, मगर उनको वो बहुत ग्राह गुजरती नमाज, बहुत तकलीफ देह होती है, पढ़ते मगर वो बेचारे, उनका भी ऐसा हाल है। मुस्लिम लड़कियां किसी काम की नहीं रहती, लड़की 15 से 17 साल की होने तक सिवाय कलमा के और इस्लाम का इसको कुछ मालूम नहीं होता, नमाज और रोज़ा माँ बाप दादी खाला फूफी के दबाव में रख लेती हैं और दिल में बहुत उनको ग्राह गुजरता है, शाख गुजरता है। ये हुआ मुसलमान नौजवानों का हाल। अब आम मुसलमान जो है, उलमा का भी जिक्र हो गया, मुसलमान नौजवानों का भी हो गया, लड़कियों का भी हो गया, अब आम मुसलमान जो है, जो आलम भी नहीं है, जो आम मुसलमान है, उन लोगों का हाल ये है कि उनमें इस्लाम की तालीमात हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है और माहौल ऐसा बना हुआ है कि दीन से जुड़ने का मौका नहीं मिलता। ये सब देखकर मैं गुज़िश्ता 10 सालों से ये सोच रहा था कि क्यों ना मुसलमानों को इस्लामी तालीमात देने के लिए एक ऐसा निसाब, ऐसा कोर्स बनाया जाए जो उनको उनकी मसरूफियात के बावजूद उनके घर पर ही उनके करीब की जगह पर कम से कम वक्त में उनको इस्लाम के असल रूह का इल्म दिया जाए, उनके घर के करीब हो, उनको नौकरियों धंधों से निकाल के ले जाने की ज़रूरत ना पड़े और कम से कम वक्त में हो। ये ख्याल मेरे जहन में 10 सालों से चल रहा था, मगर मेरी भी मसरूफियात थी इसलिए काम शुरू ना हो सका। हालांकि मुसलमानों में बहुत सी जमातें काम कर रही हैं, मुसलमानों की इस्लाह और उनकी दीनी तरबियत के लिए बहुत सी इस्लामी जमातें निकल आई हैं, मगर उन जमातों का तरीक़ाकार यह है कि वो लोगों को जमा करते हैं। उन जमातों का तरीक़ाकार क्या है कि वो लोगों को जमा करके एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में ले जाते हैं, जमात बनाते हैं, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में ले जाते हैं और कम से कम 3 दिन 7 दिन 10 दिन ऐसा घुमाते रहते हैं एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में, और उनके साथ कोई ज़्यादा पढ़े लिखे आलिम खसम के लोग नहीं रहते, उन्हें कोई थोड़ी सी तरबियत दे के बस उनकी अमीर बना देते हैं और निकाल के लेके चले जाते हैं। हालांकि इससे क्या होता कि वो इल्म वो दूसरों को नहीं दे सकते, खुद को इल्म नहीं रहता। जमात बनाकर दूसरे गाँव से शहरों की मस्जिदों में लोगों को ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं, मस्जिदों में वज़ू के मसाइल, वज़ू के गुसल के फ़राइज़, गुसल के सुन्नतें, वज़ू की सुन्नतें, नमाज के तरीक़े, अंगूठा खड़ा रखना है नमाज में, क्या बैठना है, क्या कैसा बैठना, बस ये सिखाते रहते वगैरह के आदाब सिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस्लामी किस्से कहानियाँ उनको बता देते। दावत इस्लामी जो है इलियास अत्तारी साहब की, वो भी कुछ काम कर रही है जो कराची वाले हैं। तबलीग जमात जो है जो पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में और पूरे मुल्कों में, वो भी कुछ काम कर रही है। इस तरह जमात इस्लामी भी है, जमात इस्लामी भी है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। अहले हदीस लोगों की भी जमातें हैं, बहुत सारी काम कर रही हैं, हर रोज़ नए नए प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से चलते रहते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये सब जमातों की तरफ से चलती, किसी दिन लोगों को फुर्सत नहीं लेने देते, जो भी जमात में जुड़ जाते हैं उनको इतनी एक्टिविटी लगा देते कि वो परेशान होकर भाग जाते जमात में से कि भाई हमको फुर्सत ही नहीं मिल रही। इन जमातों की वजह से एक फ़ायदा यह है कि इन लोगों को जो इन जमातों में जुड़े हैं इस्लाम का कच्चा पक्का कुछ तो भी मिल जाता, थोड़ा बहुत मिल जाता है, फ़ायदा तो है, मगर इन जमातों की ना रुकने वाली एक्टिविटीज़ की वजह से उन जमातों के कारकुन उन जमातों से जुड़े रहने से कतराते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना जमात में, अगर जुड़ गया आदमी तो उसको फिर फुर्सत नहीं लेते, आज ये काम है, आज वो काम है, आज ये उधर जाना है, आज वो प्रोग्राम है, बेचारा परेशान हो जाता और वो भाग जाता वहाँ से। नतीजा निकलता कि जमात में लोगों की हाज़िरी कम से कम होती चली जाती है। इसलिए मैंने महसूस किया कि लोगों को परेशान किए बगैर उनको उनके रहने के मुकाम पर, उनके जो है तो कन्वीनियंट वक्त पर उनको इस्लामी तालीमात बहुम पहुँचाए जाए। हाँ, उनको जो है तो कहीं ले जाना नहीं है, किसी जमात में ले जाना नहीं है, किसी मस्जिद से घर से दूर ले जाना नहीं है, नौकरी धंधे भी उससे छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको जो है तो उनकी कन्वीनियंट टाइम पे इस्लाम की तालीम और कम से कम वक्त में देने के लिए मैंने सोचा। इससे होगा ये कि लोगों को जमातों में जाने और सफ़र करने का और खाने पीने का खर्चा भी नहीं होगा और नौकरी धंधे से रुख्सत लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो लोग अपने रहने के मुकाम पर रहते हुए नौकरी धंधा करते हुए इस्लाम की तालीमात हासिल कर सकेंगे। इसलिए मैंने एक ऐसा इस्लामी तालीमात का निसाब यानी कोर्स तैयार किया है जो मुकम्मल इस्लाम कम से कम वक्त में मुसलमानों को सिखाएगा। मुसलमान नौजवान, मुसलमान ख्वातीन, मुसलमान लड़कियां दो और सब इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। ये छोटा सा कोर्स है मगर समझो इस्लाम का एक इंसाइक्लोपीडिया है, इसलिए इसमें इस्लाम की कोई बात भी छोड़ी हुई नहीं है, किसी किस्म की छोटी बड़ी बात कोई छोड़ी हुई नहीं है, मगर मुख्तसर में बताएंगे। अब इस्लाम की तालीमात आपको देने से पहले मैं अपने बारे में भी आपको बता दूँ कि आप मुतमैन हो जाए कि भाई ये कौन है जो आपको तालीम दे रहा है, तो इसके बारे में ये है, मैं बताना अपने बारे में खुद बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है कि आजकल बहुत से लोग इस्लाम को सिखाने के लिए मार्केट में आ गए हैं और मुमकिन है
ये नया सिखाने वाला हमको गुमराह कर देगा, ये ऐसा ख्याल आपके दिल में आ सकता है। इसलिए मुझे अपना तारुफ कराना ज़रूरी है। मैं अपना मुख्तसर तारुफ कराऊंगा ताकि आप लोग मुतमईन होकर इस्लाम की तालीमात से इस्तेफादा हासिल करें। दरअसल आजकल मुसलमानों को गुमराह करने वाले बहुत हो गए हैं और ना जाने मुसलमान उलमा के भेस में कौन हमको गुमराह कर रहा है, उलमा बन के कौन गुमराह कर रहा है हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। यह ख्याल भी पैदा हो रहा है। दुश्मनों की साजिशें भी मुसलमानों के खिलाफ चल रही हैं। इसलिए मैं इस मुख्तसर तारुफ के साथ आप तमाम को और खुसूसन मुसलमानों की नई नस्ल और नई जनरेशन को उन तमाम खतरात से भी आगाह करूँगा जो आज के दौर में हम तमाम मुसलमानों को दरपेश हैं। मुसलमानों के दुश्मन हर किस्म के नफ्सियाती, इल्मी, मादी, तबई हथियारों से लैस हैं और हम हर आफत से अनजान बैठे हुए हैं। इस कोर्स में मैं तमाम आफात खतरा से आपको आगाह भी करूंगा और असली इस्लाम का आपको तारुफ भी कराऊंगा। इस कोर्स में आपको वो इस्लाम बताया जाएगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1443 साल पहले 1440 पकड़ लो 1440 साल पहले दुनिया के सामने पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई रसूल नहीं है, कोई पैगंबर आपके बाद आने वाला नहीं है। आपकी तालीमात खालिस प्योर, ऐसी प्योर तालीमात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा डिस्टिल वाटर इधर साफ और पाक है, आज भी मौजूद है। इसमें कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ तालीम में उनकी। कुरान बिल्कुल प्योर हालत में मौजूद है, हदीसें प्योर हालत में मौजूद है। वो खालिस इस्लाम की तालीमात कहाँ मौजूद है? वो सिर्फ कुरान और हदीस में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान और हदीस में बिल्कुल महफूज है। इसलिए मैं इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस ही के मुताबिक बातें आपको बताऊंगा ताकि आपके दिल में कोई शक की गुंजाइश ना रहे। मैं आपको जो बताऊंगा, जो बातें करूंगा ये कोर्स के अंदर, ये सीरीज में, वीडियो सीरीज में, वो सिर्फ कुरान और हदीस के हवाले से रहेंगी और बाकी किसी दूसरे का हवाला इसमें नहीं रहेगा ताकि आपको कोई शक ना हो कि तो कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। हदीस जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बताई हुई बात है, हुजूर ने बताया मगर अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। इसलिए वो दोनों ही बातों का मैं करूंगा ताकि आप क्रॉस चेक भी करके देख लें कि ये बात सही है कि नहीं गलत है, और सिर्फ कुरान और हदीस के हिसाब से रहेंगी ताकि आपके दिल में किसी कस्म की शक की कोई गुंजाइश ना रहे, ताकि आप ये ना सोचें कि ये आलिम हमको गुमराह करने के लिए गलत इस्लाम की तालीम दे रहा है। आप मेरी हर बात को कुरान और हदीस से क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं खुद भी मेरे उनवानात के बाद कुरान और हदीस का रेफरेंस दूंगा। अगर मेरी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है तो आप उसे कबूल करें, वरना नहीं। अगर मेरी बात कुरान और हदीस के अंदर रेफरेंस के साथ आपको मिल गई और हदीस और कुरान के मुताबिक है तो ही आप कबूल करें, ये मेरी गारंटी है और ये मेरी सदाकत की गारंटी भी है। अब मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये इस्लामी तालीमात का कोर्स शुरू हो जाएगा और मुझे खबी उम्मीद है, मतलब मेरे को खबी मजबूत उम्मीद है कि इस कोर्स से आप तमाम को बे इंतहा फ़ायदा होगा। अगर आप अपने आप में ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा महसूस करें तो मेरे लिए दुआ भी करें। ये कोर्स करने के बाद आपको ज़र्रा बराबर भी अगर फ़ायदा महसूस हुआ तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करने में कोताही हरगिज़ ना करें। मैं खुद दीन का मुकम्मल इल्म रखने के अलावा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मैं कम से कम 25 साल अरब गल्फ में, यानी खलीजी गल्फ के मुल्कों में, खलीज में ममालिक में नौकरियों के सिलसिले में रह चुका हूँ। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट था और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इसलिए मेरे जहन में जदीद उलूम जो मॉडर्न जो नॉलेज जैसे जो उसके बारे में तरह रुकबत ज़्यादा थी। इसके अलावा मैं खुद भी साइंसी जहन रखता था और मैं अपना खुद भी थिंकिंग वाला जहन मेरा साइंसी था और जदीद उल्म जो है मॉडर्न जो थेरीज है उसका भी मेरे को शौक था, रखता था और मालूम करता था। जदीद दुनिया और मॉडर्न ज़माने के उलूम में मेरी दिलचस्पी थी। जब मैं अरब ममालिक में गया वहाँ अल्लाह के करम से मुझे अल्लाह ने अच्छा काम दिया और मैं इंटरनेट से इस्तफादा करने लगा। इंटरनेट मेरे को मिल गया वहाँ पे और मैं इंटरनेट से बहुत फ़ायदा मैंने उठाया। मुझे वहाँ इस्लाम की स्टडी करने का भरपूर मौका मिला और मैंने अपने वक्त का इस्तेमाल इस्लाम की स्टडी पर गुजार दिया। हालांकि दूसरे लोग वहाँ जाते दुबई में, वहाँ की रंगारंग ज़िंदगी में और यूरोप को मात कर देने वाली तर्ज हयात में गुम हो जाते हैं। दूसरे लोग जो दुबई और ऐसे अरब कंट्री में जाते हैं वहाँ की जो रंगारंग ज़िंदगी है जो यूरोप को भी मात करती है, 100 यूरोप के बराबर है ये दुबई। वहाँ जब रंगारंग ज़िंदगी रहती तो वहाँ पे वो उसके अंदर वहाँ की जो मॉडर्न ज़िंदगी है उसमें उसकी तर्ज हयात में वो लोग गुम हो जाते और खाने पीने, घूमने और फिल्में देखने में सारी ज़िंदगी, सारा वक्त उनका गुजर जाता। मगर मैं मेरा खुद का तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपने खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत में मैं अपना 99% वक्त इस्लाम की स्टडी में लगा देता था
मुझे इस्लाम और दुनिया के दीगर लोगों के ख्याल मालूम करने का शौक़ हो गया था, इसलिए मैंने इस्लाम की और दीगर दुश्मनान इस्लाम की भी गहराई से स्टडी की, इस्लाम की भी स्टडी की, इस्लाम के खिलाफ जो वेबसाइट थे उनकी भी स्टडी की, दुश्मनों की भी वेबसाइट की स्टडी की, इस्लाम के फेवर वालों की भी की, क्रिश्चनों की भी की, यहूदियों की भी की, दुनिया के हर मजहब के बारे के लोगों के बारे में मैंने खूब स्टडी की, मजहबों की हर मजहब की स्टडी की, इस्लाम के खिलाफ जो लिखते उनकी भी बहुत ज़्यादा स्टडी की, और जदीद जो उलूम है साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स कॉस्मोलॉजी हर चीज़ की मैंने स्टडी की, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, रात में 2-2 बजे तक मैं इंटरनेट देखता था। उसके अलावा मैं इस्लाम की और दीगर दुश्मन की भी गहराई से स्टडी की है। दुबई जाने से पहले मैं अरबी और फारसी में 2 जबानें ले सब्जेक्ट लेकर बीए में मैं फर्स्ट क्लास पास भी हो चुका हूँ। दुबई जाने से पहले अरबी गल्फ के कंट्री में 25 साल रहने से पहले मैंने अरबी और फारसी ऑप्शनल लेके बीए में लिया था और उसमें फर्स्ट क्लास अल्लाह के करम से पास हुआ हूँ। मगर दुबई में मेरी अरबी एकदम सुधर गई और मैं कुरान पाक को उर्दू की तरह पढ़ने लगा। मतलब दुबई में रहने से 25 साल अरबों के साथ रहने से मेरी अरबी बिल्कुल उर्दू की जैसे हो गई। अब मेरे को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुरान के जो ट्रांसलेशन लोगों ने किए हुए हैं उसमें मैं गलतियाँ निकाल सकता हूँ और समझने में कादिर हो गया हूँ। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि आज हमारे उलमा को तक भी उलमा तक को भी कुरान की अरबी पढ़कर उर्दू में पढ़ने का मज़ा नहीं आता। ये अल्लाह का मेरे पे करम है कि मैं अरबी पढ़ के कुरान शरीफ को पढ़ के उर्दू की जैसा समझता हूँ। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आजकल हमारे उलमा को भी ऐसा कुरान पढ़ के ऐसा मज़ा नहीं आता जैसा मेरे को आता है। दुबई में रहने से मेरी अरबी उर्दू की तरह हो गई है, इसलिए मैं कुरान के मफहूम को डायरेक्ट अल्लाह की ज़बान में समझने लगा हूँ। ये एक अल्लाह का इनाम है। दुबई एक गल्फ ऑफ अरबिया का एक मुल्क है, यानी खलीज अल अरबी का एक मुल्क है। दुबई मुल्क है जो इंतहाई तरक्की याफ्ता है। दुबई के सामने यूरोप कुछ भी नहीं है, दुबई के सामने यूरोप कुछ भी नहीं है। ऐसा यूरोप से भी आगे तरक्की में, तमद्दुन में और तहजीब में और रखरखाव में और ज़िंदगी के तर्ज में, मॉडर्न लाइफ के अंदर दुबई बिल्कुल यूरोप से भी आगे। यहाँ की तर्ज ज़िंदगी यूरोपियन है। दुबई 100 यूरोप के बराबर है और दुनिया में जन्नत का नमूना है। इंतहाई मॉडर्न और जदीद है। यहाँ पर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग रहते हैं, दुनिया के हर मुल्क के लोग रहते हैं। और मेरे को अलग के कर्म से बहुत हर किस्म के लोगों से करीबी कांटेक्ट करने का मौका मिला और काम करते रहते हैं ये लोग। वहाँ पर रहते हैं दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग रहते हैं और काम करते हैं। मैं जिस फैक्ट्री में 25 साल काम करता था वो आला तरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और हमारी कंपनी का ताल्लुक दुबई के आला तबके के लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, हाइपर मार्केट, हाइपर मॉल और सुपर मॉल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए माल सप्लाई करते थे और बनाते थे। मेरा बड़े बड़े आर्किटेक्ट और बड़े बड़े डिज़ाइनर और बड़े बड़े इंजीनियरों से साबिका पड़ता था। हर किस्म के इंजीनियर कारागिर से मैं रबते में रहता था और उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता था, कि तो हमारा माल उन तक जाता था। आम मजदूरों से भी मेरा बहुत ज़्यादा रिलेशन था, कि तो मजदूरों को भी कंट्रोल करना, मजदूरों के साथ रहना, मजदूरों का रिसोर्स करना, ये सब मेरे जिम्मे था। आम मजदूरों से बड़े ताल्लुक़ रहता था। खुद हमारी फैक्ट्री जिस इंडस्ट्रियल एरिया में है, जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया, दुबई का बहुत एरिया मशहूर एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ की लेबर कॉल, वहाँ पे पूरे लेबर कॉलोनी है, पूरे दुबई के लेबर कॉलोनी जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं पूरे लेबर, उनको लेबर कैंप बोलते हैं। तो उन कैंप के अंदर मैं करीब से लेबर को देख सका, क्योंकि तो मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता था। उनकी ज़िंदगी करीब से देखना का मेरे पास था, क्योंकि तो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी था, तो मुझे उसको पता चला। हर किस्म के लेबर वहाँ कॉलोनी में रहते हैं, बहुत करीब से मैंने उनको देखा और 25 साल तक बहुत से करीब से लोगों को देखा रहा। हर मुल्क के लोगों से मेरी करीबी ताल्लुकात रहे और सबकी नफ्सियात मैं जानता हूँ। 25 साल में उनके साथ गुजारे हैं। अरब ममालिक के लोगों को उनको थे, मिस्र के, शाम के, लिबनान के, इराक के, ईरान के, अफगानिस्तान के, मराकश के जिसको मोरक्को बोलते, और तुनिसिया के, इंडोनेशिया के, फिलिपाइन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इंडिया के और यूरोप के और अफ्रीका के, अब मतलब हर कौम के लोग जो है, चाइना के, फिलिपिन के, सबसे मेरे ताल्लुकात रहे और गहरे करीबी ताल्लुकात रहे और हम साथ साथ काम करते रहे। अल्लाह के करम से मेरे काम के अवकात में सिर्फ मैं अपना काम करता था। काम के अवकात में ड्यूटी में ये इस्लाम की स्टडी नहीं करता था, मैं ड्यूटी में ड्यूटी करता था ताकि हलाल की कमाई हो। तो मेरे काम अल्लाह के करम से मेरे काम के अवकात में मैं सिर्फ अपना काम करता था, ड्यूटी करता था, और मेरी ड्यूटी के बाद मेरा खाली वक्त इस्लाम की स्टडी में गुजरता था। मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक रहती थी। हमारी ड्यूटी टाइम जो फैक्ट्री का था सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती थी। 7 बजे स्टार्ट का मतलब है 6:30 बजे
ऑफिस के अंदर दाखिल होना, ऐसा नहीं कि 7 बजे बोले तो 7:30 तक चाय पी रहे बाद में, नहीं नहीं वैसा नहीं, 6:30 बजे फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाना और 6:40 को जो है तो अपना काम शुरू हो जाता था। तो 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहती थी, 4 बजे बोलने का रहता था मगर 4:30-5 बज जाते थे, रहती थी। सुबह फजर की नमाज के बाद मैं नाश्ता करके अपने काम पर आ जाता था। देखो, सुबह फजर की नमाज के बाद मैं नाश्ता करके अपने काम पर आ जाता था और असर की नमाज के बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी। गल्फ में असर की नमाज 3:30 से 4 के दरमियान होती है, 3:30 से 4 के बीच में गल्फ में होती है असर की नमाज, यहाँ के जैसा 5:30-6 बजे नहीं होती, गल्फ में दुबई में जो है तो 3:30 से 4 के बीच में होती है। तो हमारी ड्यूटी जो है ना असर तक रहती थी और उसके बाद 4 बजे के बाद मैं पानी नहा धो के अपने निजी काम से फारिग होकर ईशा की नमाज के बाद से लेके तो रात में 1 बजे तक और जुमा की छुट्टी के दिन सारा दिन और दीगर ममलिकती छुट्टियों में जो ममलिकत की छुट्टियां रहती है उस दौरान सारा दिन इस्लाम की स्टडी इंटरनेट पर करता था। मुझे इस्लाम का इल्म गल्फ जाने से पहले से ही था मगर जदीद दौर और मॉडर्न साइंस के मुताबिक इल्म सिर्फ दुबई में मिला, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम को जो इस्लामी तालीमात इस कोर्स में ये जो वीडियो सीरीज़ में दे दूंगा वो मॉडर्न साइंस के हकायक के मुताबिक हो, जो इस्लाम का मैं तालीम आपको दूंगा इसमें वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से रहूँगा, हकायक के मुताबिक इस्लाम के उसूलों पर दूंगा, मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस्लाम के उसूलों पर दूंगा। इस्लाम मॉडर्न साइंस के हर मुतालबे पर पूरा उतरता है, इस्लाम जो है मॉडर्न साइंस के हर जो है तो उनके टेस्ट पर पूरा उतरता है, साबित होता है। आपको इस कोर्स के दौरान पता चल जाएगा कि कैसा इस्लाम मॉडर्न साइंस पर उतरता कि नहीं उतरता, या आपको कोर्स के दौरान पता चल ही जाएगा। आज के दौर और ज़माना ऐसा आ गया है, इस दौर में सादा सीधा और सादा लू इंसान रहना बेवकूफ़ी समझी जाती है। आज के ज़माने में जो आदमी सादा सीधा रहता उसको बेवकूफ़ समझते हैं। इस मॉडर्न दौर में इंसान को दुनिया और दीन दोनों का इल्म होना अशद्द ज़रूरी है। आज के दौर में दुनिया और दीन दोनों का भी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और पहला ज़माना और था जब सादा लू रहने वालों की भी ज़िंदगी इज्जत से गुजर जाती थी। पहले ज़माने में सादा लू लोगों बहुत इज्जत होती थी और उनकी ज़िंदगी इज्जत से गुजर जाती थी मगर आज के दौर में सादा लू लोगों को फ्राडिये जो रहते धोखेबाज किस्म के और ढोंगी वो लोग जो है ना भून के खा लेते, उनको जो है ना मतलब उनका ख़त्म कर देते, खा लेते हैं। इसलिए मुसलमानों को दुनिया और दीन दोनों का पुख्ता इल्म होना ज़रूरी है। मुसलमानों को जो है ना दुनिया का भी और दीन का भी, दुश्मनों के साजिशों का भी, सबका पुख्ता इल्म होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर फराड़ियों के शिकार बन जाते हो। आजकल हमारे उलमा जो इस्लामी तालीमात मुसलमानों को देते हैं उसमें जदीद दौर के हालात और ज़रूरियात और तकाज़ों का लिहाज मलहूज नहीं है। आजकल जो उलमा हमारे मुसलमान लोगों को जो इस्लाम की तालीम देते वो जदीद दौर के हिसाब से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि वो जो है ना दरस निज़ामी वाला तालीम है जो आज से 800 साल पहले मतलब बनाया गया था। वो कोर्स दरस निज़ामी जिसको बोलते 800 साल पुराना सिलेबस वो लोग चला रहे हैं अभी तक, यानी वजू के फ़रज़, वजू की सुनतें, गुसल के फ़रज़, गुसल की सुनतें, नमाज का तरीका, अंगूठा खड़ा रखने का है कि नमाज में बैठने का, कैसे रखने का है, कैसा बैठना है, कहाँ हाथ होना है, कहाँ हाथ बंधे होना है, खुले होना है या नहीं होना है, ये सब जो है तो वो दरस निज़ामी में है या ऐसी चीज़ें बताते हैं। और फिर कुर्बानी के मसाइल, अकीक़े के मसाइल, ऐसे ऐसे मसाइल बस ये उसमें बताते हैं, जदीद दौर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारा इस्लामी कोर्स जो है, हमारा जो अभी इस्लामी सीरीज़ है, ये इस मुसलमानों के जदीद दौर के तकाज़ों और ज़रूरियात को पूरा करेगा। इसमें ऐसे ऐसे मौजूआत लिए गए हैं जो आज के मॉडर्न दौर के लिए ऐन मुनासिब हैं। इसमें जो नए नए टॉपिक जो लिए गए हैं ना आज के मॉडर्न दौर के लिए ऐन मुनासिब हैं। पुराने दौर का दर्स निज़ामी वाला इल्म आज की नई नस्ल को मुतमईन नहीं कर सकता। पुराने दौर का जो दर्स निज़ामी का सिलेबस है नई नस्ल को मुतमईन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं किया हुआ है। इसके अंदर आज के जदीद दौर में जो एथेइज्म है, अल्लाह को नहीं मानना, अल्लाह एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, इसको इल्हाद बोलते हैं उर्दू में, वो उसका बहुत ज़्यादा जोर है। आज के नौजवानों के दिमाग में ये बात पैदा हो जाती है कि अल्लाह ताला है या नहीं है। तो इसको इस्लामी जो ये सीरीज़ में मैंने एड्रेस किया है, इसको मैंने साइंस के ज़रिए से और लॉजिक के ज़रिए से, नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मैंने अल्लाह के वजूद को साबित किया है कि अल्लाह मौजूद है। और जब अल्लाह मौजूद है तो उसके बाद ही फिर इस्लाम सीखने में, इस्लाम की बातें करने में कोई फ़ायदा भी है और उसका कोई जवाब बनता है। जब अल्लाह ही मौजूद नहीं तो फिर इस्लाम को क्या सीखना है, कुरान को क्या पढ़ना है, उसकी अहमियत नहीं रहती। इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें अल्लाह के वजूद को साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक थ्योरी से और मॉडर्न कॉस्मिक थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी से और जदीद जो जितनी भी थ्योरीज है जदीद साइंस की, उससे मैंने साबित किया है। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। इस कोर्स में मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद क्या है। इस कोर्स में ये अभी तक कोई बताता नहीं, मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद क्या है बताया जाएगा।
इस्लाम का मकसद क्या है? सिर्फ मुसलमानों को 5 वक्त नमाज पढ़ा देना और रमज़ान में रोज़े रखा देना, ये इस्लाम का मकसद नहीं है। इस्लाम का मकसद ये नहीं है कि नमाज़ें पढ़ाते रहना ज़बरदस्ती, जब उनको भी नागवार भी गुजरा फिर भी नमाज़ पढ़ाना, रोज़े रखाना उनको जब नागवार गुजरा जब भी रोज़ा रखा, ये इस्लाम का मकसद नहीं है। इस्लाम का असल मकसद क्या है वो उस कोर्स में आपको पता चलेगा। दुनिया में दो किस्म की चीज़ें हैं, दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक जिनका मकसद होता है और दूसरी वो जिनका कोई मकसद नहीं होता। दो चीज़ें दुनिया में रहती, एक जिसका मकसद रहता, जिसका एम रहता, जिसका कोई टारगेट रहता, और दूसरी वो चीज़ रहती जिसका कोई टारगेट नहीं रहता, कोई एम नहीं रहता, जिनका कोई मकसद नहीं होता, ऐसी भी एक चीज़ रहती। जिनका मकसद होता है, जो ऐसी चीज़ें जिनका मकसद होता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है, अपने टारगेट पे पहुंच जाती है, और जिनका मकसद नहीं होता वो भटकती रहती हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि उनका टारगेट ही नहीं, उनको खुद ही मालूम नहीं कहाँ क्या अपना काम का है, कहाँ जाना है, तो वो भटकती रहती है। कौन कौन सी चीज़ जिसका कोई मकसद नहीं होता वो भटकती रहती, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये सिंध में कभी वो सिंध में, बस अपने अंदाजे से चलती रहती है, और इसको वो करार नहीं होता और वो कामयाब नहीं होती होती, उससे मंजिल भी नहीं मिलती। आज हमारे कौम का ये हाल है, आज हमारे कौम का ये हाल है कि हमारे को कोई मंजिल मालूम नहीं है, अपना कोई मकसद मालूम नहीं है, तो कभी ये लीडर के पीछे, कभी वो लीडर के पीछे, कभी ये लीडर के पीछे, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, कभी ये प्रोग्राम करेंगे, मगर कभी फ़ायदा नहीं होता। कभी किसी प्रोग्राम से पिछले 100 साल में तो मैंने कोई फ़ायदा देखा नहीं। तो ये हमारे कौम का ये है, और हमारा क्या अंजाम है? फिर अंजाम बकबकती के सिवा कुछ मिलता नहीं। कन्फ्यूजन इसलिए है पैदा होता है कि अगर किसी चीज़ का मकसद मालूम ना होगा तो जहन में कन्फ्यूज होगा। मुसलमान कन्फ्यूज़ क्यों है? उनको मकसद ही नहीं मालूम, एम नहीं मालूम, तो मालूम बहुत जमा हो जाएंगी मगर एम नहीं मालूम होगा तो कन्फ्यूजन होगा, तो जहन में कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस्लाम का, रसूल का, मुसलमानों का मकसद अगर मालूम ना होगा तो फिर हमारे जहन में कन्फ्यूजन पैदा होगा। अगर हमें इस्लाम का और हमारे रसूल का और हमारे ज़िंदगी का मकसद मालूम हो तो कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक मैं ख़ास तौर से आपको मकसद बताऊंगा। जब आपको मकसद और ईम पता चल जाएगा, एम मालूम हो जाएगा, तो आपको फिर कन्फ्यूजन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और आपके जहन में जो इस्लामी मालूम पहले से हैं उसको एक डायरेक्शन मिल जाएंगी और सही डायरेक्शन आपको पता चलेंगी। ये कोर्स का भी एक मकसद है। इस कोर्स में आपको वो वाहवाही करने वाले, वाहवाही बटोरने वाले इल्म नहीं बताऊंगा। ऐसी बातें जिसमें वो पढ़ के आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएंगी, ऐसी बातें इसमें नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ऐसे अशार पढ़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, हुजूर के ताल्लुक से, कि वो उनको सुन के वाह 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 करते लोग। ये ऐसे वाहवाही वाला कोर्स नहीं है, ये इसमें आपको हकीकत बताएंगे। हकीकत अलग होती है, वाहवाही अलग होती है। तो मैं आपको इस कोर्स में आपको वाहवाही बटोरने वाली इल्म नहीं सिखाऊंगा, जैसा कि हमारे मुसलमान आमतौर पर करते हैं। कुछ ऐसे अशार पढ़ते हैं, कुछ ऐसे जुमले बोलते हैं कि लोग वाह वाह करते हैं, मगर उन वाहवाही वाले अल्फाज का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस खाली बस सुने तक ही रहते हो, उनका कोई मकसद नहीं होता। ये इल्म मुफीद नहीं होता, जो वाहवाही वाला इल्म रहता है मुफीद नहीं रहता, फ़ायदे वाला नहीं रहता, वो इस्लाम के मकसद से दूर होता है। इस्लाम का मकसद इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाना है। इस्लाम का मकसद अशरफुल मकसद बनाना, ये भी एक मकसद है, ये अकेला मकसद नहीं है। आपको आगे पता चलेगा ये कोर्स में कि क्या मकसद है। ये एक मकसद ये है कि इस्लाम इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाना चाहता है। इस कोर्स में आपको वो बताया जाएगा जो आपको किसी दूसरे आलिम ने नहीं बताया। ये कोर्स में एक दावा ये कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ बताऊँगा जो अभी तक आपको किसी आलिम ने, इस्लामी आलिम ने नहीं बताया है, आलिम नहीं बताया होगा। मगर मेरी ये शर्त है कि आप मेरी बातों को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखें। मेरी शर्त यह है कि आप मेरी हर बात को कुरान और हदीस के रेफरेंस से परखें। अगर आपको वो बिल्कुल पता चले कि सही है तो आपको उनको लाजमी आपको मानना पड़ेगा, और अगर गलत है तो आप बिल्कुल उसको इनकार कर दें, झुटला दें, ना माने बिल्कुल। इस कोर्स का मकसद आपने इस्लामी फरासत और बसीरत पैदा करना है। फरासत यानी इस्लामी विजन, उनका दिमाग के अंदर एक लाइट इस्लामी पैदा होना, फरासत जिसको बोलते, पैदा करना है, बसीरत पैदा करना है। इस कोर्स का मकसद आपने इस्लामी फरासत और बसीरत का पैदा करना है, और आपको इस्लाम के सही मकसद से आगाह करना और मुसलमानों को उनको दरपेश खतरा से आगाह करना है। इस कोर्स का एक मकसद ये भी है कि आपको जो है ना उन खतरा से आगाह करना जो मुसलमानों को इस दुनिया में दरपेश है दुश्मनों की तरफ से करना है। जब आपको इस्लाम का मकसद, हकीकत, अहमियत मालूम हो जाएगी तो आपने खुद बखुद नमाज में खुशू पैदा हो जाएगा। जब आपको अल्लाह का वजूद मालूम हो जाएगा, इस्लाम का मकसद मालूम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी का मकसद मालूम हो जाएगा, तो नमाज को आपको ग्रह नहीं गुजरेंगी, शाख नहीं गुजरेंगी, रोज़े नमाज में आपको जो तकलीफ नहीं होंगी, बल्कि आप में खुशू ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा खुद ब खुद। इस कोर्स से आप में इतना इस्लाम इल्म आ जाएगा कि इंशाल्लाह आपको एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है। ये कोर्स और ये सीरीज़ देखने के बाद आप में इतना इस्लामी इल्म आ जाएगा कि एक अच्छे मुसलमान को होना चाहिए। अच्छा मुसलमान बनने के लिए आपको जो ज़रूरी है वो इल्म
इसमें आ जाएंगे। हालांकि ये छोटा सा मुख्तसर इंसाइक्लोपीडिया है इस्लाम का, इसमें आपको मगर वो सब चीज़ें आ जाएंगी और आप में एक बसीरत आ जाएगी, एक मारफत आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप हर चीज़ की हकीकत और हर शख्स का मंशा मालूम हो जाएंगे। ये कोर्स देखने के बाद आप में एक मारफत एक आ जाएंगी, एक बसीरत आ जाएंगी, आपको हर आदमी का, हर शख्स की उसका मंशा, उसका इंटेंशन मालूम हो जाएगा कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है मालूम हो जाएगा, और आपका जहन खुल जाएगा, आपकी राहें रोशन हो जाएंगी और आपको कोई धोखा नहीं दे सकेंगे। उसके बाद ये कोर्स करने के बाद आपका दिमाग इतना रोशन हो जाएगा कि आपको कोई भी आदमी ट्रिक करके धोखा नहीं दे सकता। हर एक की मक्कारी आपको मालूम हो जाएंगी, हर एक की मक्कारी आपको, जो भी आपके साथ मक्कारी करेगा वो आपको पता चल जाएगा, हो जाएगी। ये सब कैसे होगा? ये होगा इससे कि आपको एक तसस्सुल, एक रब्त इस्लाम के इल्म में मालूम हो जाएगा। आप ये कैसा आपका बचरत कैसे आएंगी, तो आपके जो जहन में जो इस्लामी मालूम है उसके अंदर एक रब्त, एक कनेक्शन, एक कंटिन्यूटी जब पैदा हो जाएंगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, मकसद मालूम हो जाएगा, तो आपको खुद ब खुद ये बसीरत आ जाएंगी और लोगों के फ्राड आपको पता चल जाएंगे और आपके साथ कौन धोखा कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। आपको तसस्सुल और एक रब्त इस्लाम के इल्म में मालूम हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। इसलिए कोर्स ख़त्म करने से पहले समझिए आप हर तरह की जंजीरों में, ये कोर्स ख़त्म करने से पहले आप समझ जाओ कि आप हर तरह की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ख्यालात की जंजीरें हैं, हालात की जंजीरें हैं, रिश्तेदारों की जंजीरें हैं, रस्म रिवाज की जंजीरें हैं, और लाइल्मी की और कन्फ्यूजन की जंजीरें हैं। ये सब जंजीरें आपके ऊपर बंधी हुई है, ये समझ लेना आपने। ये कोर्स ख़त्म करने से पहले, शुरू करने से पहले आप ये समझ लेना कि आप हर किस्म की जंजीरों में जकड़े हुए। कौन कौन सी जंजीरें हैं? ख्यालात की है, हालात की है जंजीरें हैं, रिश्तेदारों की है, रस्म रिवाज की जंजीरें हैं, और लाइल्मी की है, कन्फ्यूजन की जंजीरें हैं। ये मगर ये कोर्स करने के बाद आपकी एक एक करके सब जंजीर खुल जाएंगी, एक 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 करके आपकी सारी जंजीरें खुलती जाएंगी और आप बिल्कुल बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे पानी नहाने के बाद, साबुन से खूब ज़्यादा साबुन वाबुन लगा के गर्म गर्म पानी नहाने के बाद जब आदमी हमाम में से निकलता है ना, तो कैसा हशाश बशाश महसूस करता, वैसा महसूस करेंगे आप ये कोर्स ख़त्म होने के बाद। ये जंजीरें आपकी कन्फ्यूजन की थी, जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जैसा मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये जंजीरें आपको जो जकड़ी हुई थी, तो आप कैसा जकड़ा हुआ महसूस करते थे? जैसा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में बहुत से डाटा जमा रहता, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जो है जितने भी जीबी या टीबी की हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी रहती है, मगर आप जब उसमें बहुत ज़्यादा डाटा जमा हो जाता, तो जब चेक करते आप, तो बताता 70% खाली है, 80% खाली है, 60% खाली है, मगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता, इतना सब खाली होने के बाद भी स्लो चलता। तो कंप्यूटर में जो है ना हार्ड डिस्क जब डाटा जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो कंप्यूटर स्लो हो जाता, फिर उसको जो है ना मेमोरी को क्लीन करना पड़ता। और विंडोज़ के अंदर एक प्रोग्राम है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन बोल के, वो प्रोग्राम ऐसा है आपको मालूम होगा सबको विंडो में, कि वो चलाने के बाद क्या करता हो कि जो डिस्क के अंदर जो डाटा होता है कंप्यूटर के डाटा, जो हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग जगहों पर जमा रहता, मुख्तलिफ जगहों पर, वो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन वो डाटा को उठा के सब एक जगह जमा करना शुरू करता, इधर से उठाया इधर रखा, इधर से उठाया इधर रखा, तो बाद में बाकी की जो 70% जो 70% जगह खाली है वो एकदम क्लीन और साफ रहती और कंप्यूटर एकदम फास्ट हो जाता। ये कोर्स समझो वही है, आपका दिमाग में डाटा तो इस्लामी मालूम बहुत है, पहले से है, मगर वो डाटा अलग अलग जगहों पे है, तो वो मैं आपको वो डाटा जो है एक जगह मुनज़्ज़िम करूँगा, एक जगह ऑर्गेनाइज करूँगा ये प्रोग्राम के अंदर, तो आपका दिमाग साफ़ हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा, बसीरत आ जाएंगी और खुल जाएगा और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। समझो आपका दिमाग का डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ही है ये प्रोग्राम। बिल्कुल उसी तरह मैं आपके जहन में मौजूद इस्लामी मालूमात को मुनज़्ज़िम करेंगे, यानी ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके बाद आपका कन्फ्यूजन ख़त्म होगा और आप पर राहें साफ़ ज़ाहिर हो जाएंगी, मुनकशफ हो जाएंगी। मुसलमान नई नस्ल को तो पढ़ने और कॉम्पिटिशन कोर्स जो है कॉम्पिटेटिव कोर्स की एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से इस्लाम का इल्म हासिल करने का वक्त नहीं मिल रहा। मुसलमान जो नई नस्ल है उनको तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है नीट है और जो भी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है एंट्रेंस, वो सारों के तैयारी के वास्ते इतना वक्त देना पड़ रहा है, इतने कोर्सेस, इतने ट्यूशन, इतने क्लासेस करना पड़ रहे हैं, MBBS, BDS, BHMS, BEd, TET वगैरह की क्लासेस में सारी जवानी उनके ख़त्म हो जा रही है। लड़कियों का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है, उनको तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती, घर के भी काम रहते हैं और पढ़ना लिखना भी है और उनको कुछ इस्लाम का मालूम नहीं है, बस वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है 14-15 साल की, अपने आप को खूबसूरत समझना शुरू कर देती है। उनके प्रोफाइल देखो सोशल मीडिया के ऊपर, प्रोफाइलों में क्या रहता है लिखे हुआ, उनके प्रोफाइल देखो, उस पर रानी, गुड़िया, डॉल, क्वाइन, गॉल, शहजादी, शेरनी, एंजल, ऐसे ऐसे लिखे हुए रहते, हालांकि वो एंजल एंजल कुछ भी नहीं, अपने आप को समझते हो ये क्यों, तो इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, वो अपने आप को बस ऐसे ही समझते लगा, और ऐसा समझती भी है जैसा कि वो है। जब किसी कौम में बुराई आने लगती है, जब किसी कौम बुराई में मुब्तला होना शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले
उस कौम की औरतों में बुराई जाहिर होती, उनके आदमी फिर भी ठीक रहते पहले इस्लामी ये वो जो 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 भी है थोड़े ठीक रहते, औरतों में बुराई ज़्यादा जाहिर होती। उसकी जब किसी कौम में बुराई आने लगती है तो सबसे पहले उस कौम की औरतों में बुराई के आसार जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि औरतों पर सबसे कम तवज्जो दी जाती है तरबियत देने की, औरतों के ऊपर सबसे कम तवज्जो रहती, इसलिए सबसे पहले बुराई उनमें ही जाहिर होती। तो वो नहीं होना, इसलिए इस कोर्स में मुसलमान नौजवानों और तमाम मुसलमान कौम इससे मुस्तफिद होंगी, औरतें भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, नौजवान भी होंगे, आम मुसलमान भी होंगे, ये जो सीरीज आप देखेंगे तो आप सब इंशाल्लाह मुस्तफिद होंगे, कौम मुस्तफिद होगी। एक तरफ मुसलमान गफलत में है, एक तरफ मुसलमान एकदम गफलत में है पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे दुश्मन मुसलमानों के लिए कौन कौन से मुहल्लिक हथियार लेकर बैठे हैं हमको मालूम नहीं है, उनके पास कौन कौन से हथियार है, तालीम है, इल्म है, साइंस है, नफ्सियात है, माशियात है, माशरत है, इकोनॉमी है, हर किस्म के हथियारों से हम पे हमला कर रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं मालूम है, और पॉलिटिक्स भी चल से वो भी एक हथियार बना के हमारे साथ इस्तेमाल हो रही है, हमको उसके बारे में भी कोई इल्म नहीं है। पॉलिटिक्स का नाम लेना दीन में तो बुरा समझते हैं, इस्लाम के साथ पॉलिटिक्स ये ऐसा नहीं है। ये सब बातें कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि दुश्मन के पास कौन सा हथियार है, वो हथियार अगर मालूम हो तो हम बचने की कोशिश तो करें। इसलिए इस्लामिक क्रैश कोर्स इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि आप लोगों को जिस जुर्म की सज़ा दी जा रही है वो जुर्म तो आपने किया ही नहीं, आपको जो सज़ा तो मिल रही है मगर आपको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है ये आपको मालूम नहीं है। तो कम से कम ये इस्लामिक क्रैश कोर्स से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आपको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है जबकि आपने वो जुर्म किया नहीं, और कम से कम फिर वो जुर्म तो कर लो जिस जुर्म की आपको सज़ा मिल रही, ताकि आपको नाहक सज़ा भी ना मिले, और अगर अगर वो सज़ा भी पा रहे हैं और जुर्म भी नहीं किए तो फिर अल्लाह के सामने जो है तो फिर आप जवाब दे रहेंगे कि भाई तुमने इस्लाम क्यों, मतलब यहाँ की भी सज़ा मिलेंगी अल्लाह की भी सज़ा मिलेंगी कि तुमने सही इस्लाम पे चले नहीं, कम से कम फिर वो जुर्म करो, इस्लाम कबूल करो। ये जुर्म कौन सा था आपका? मुस्लिम होने का, इस्लाम लाने का, मुस्लिम होने का जुर्म आपका है और आपने किया नहीं है, तो कम से कम इस्लाम तो फॉलो करो, मुस्लिम तो बनो, ताकि अल्लाह के पास की सज़ा से तो बचें, आप दुनिया की सज़ा तो मिल ही रही है, अल्लाह की सज़ा से तो बचेंगे ना। इस कोर्स को करने से पहले सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप ये कोर्स जो है यूट्यूब इंटरनेट में देखने से हरगिज़ मना नहीं करता, यूट्यूब भी आप देखें, इंटरनेट भी देखें, पढ़ें, सब करें, वो मना नहीं करता मैं, जैसा दूसरे लोग जैसा कि यूट्यूब मत देखो, इंटरनेट मत देखो, ये मत पढ़ो, वो किताब मत पढ़ो, मैं मना नहीं करता, आप ज़रूर देखें, मगर ये जो कोर्स है पूरा करने के बाद आप देखें, जब आपका जहन रोशन हो जाएगा उसके बाद इंटरनेट देख सकते हैं आप, यूट्यूब देख सकते हैं, उसके बाद बहुत प्रोग्राम है यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं जब आपका जहन खुल जाएगा, मगर अभी देखेंगे पहले तो आप कंफ्यूज होंगे, गुमराह होंगे। तो ये बता रहा हूँ मैं कि ये कोर्स शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात और अर्ज़ करना है, वो ये कि आपको मैं यूट्यूब और इंटरनेट देखने से हरगिज़ मना नहीं करता, आप ज़रूर यूट्यूब देखें और ज़रूर इंटरनेट का इस्तेमाल करें, मगर पहले ये इस्लामी कोर्स ज़रूर मुकम्मल करें। ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपको हक़ और बातें दोनों साफ साफ पता चल जाएंगे, जिस तरह सूरज निकलने के बाद दिन का पता चल जाता है, जैसा सूरज निकल गया तो दिन का पता चल जाता है, उसके बाद जो है ना फिर दिन का पता चलने के बाद फिर दिन में अंधेरे का डर नहीं रहता, सूरज निकलने के बाद जब दिन निकल जाता फिर अंधेरे का डर नहीं रहता, मगर जब सूरज नहीं निकलता तो फिर अंधेरे से डर लगता है, इधर क्या है, वो गड़े में क्या है, इधर क्या है। तो वैसा ही है कि आप जब जो हक और बातिल की आपकी शनाख्त हो जाएंगी, हक क्या है और बातिल क्या है, तो फिर आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, वहाँ की बुरी बात भी आप पढ़े तो आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा, आप उसके बाद जी भर के यूट्यूब देखें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मेरी 40 साल से ज़्यादा का इस्लामी रिसर्च का नतीजा है, ये जो कोर्स मैं बनाया है, ये सिलेबस जो है मेरी 40 साल से ज़्यादा का इस्लामी रिसर्च का नतीजा है जो मैं आपको इस क्रैश कोर्स की शक्ल में दे रहा हूँ। जब आप हक व बातिल में शनाख्त करने की तमीज़ आ जाएगी तो आप खुद ही गलत में से सही को जुदा कर लेंगे और अपने काम की चीज़ को उसमें से निकाल लेंगे। इस्लाम की कोई ऐसी चीज़ जो एक सही मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है, इस कोर्स में नहीं छोड़ी गई है, ये इस्लाम का एक जो है ना छोटा सा समझे इंसाइक्लोपीडिया ही है ये कोर्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया उस वक़्त वो बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह साफ़ था, जो उबाल के और मुखत्तर जो पानी रहता है डिस्टिल वाटर, वो ऐसा प्योर था बिल्कुल, इसमें जो है ना किसी किस्म की गंदगी आलाइश किसी किस्म की मिलावट नहीं थी। इस कोर्स में सिर्फ उसी प्योर और डिस्टिल इस्लाम का तस्करा होगा, उसी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए थे आज से 1440 साल पहले, उसी इस्लाम का रहेगा, इसमें किसी किस्म की मिलावट का तस्करा नहीं रहेगा। जिस ये जो कोर्स है वो प्योर इस्लाम की आपको तालीम देगा, किसी फ़िरका और किसी मसलक की तालीम इसमें नहीं दी जाएगी, तालीम सिर्फ प्योर इस्लाम की दी जाएगी। मुसलमानों का कन्फ्यूजन दूर होगा और मुसलमानों को दीन का सही इल्म और सही तसस्सुल मालूम होगा, यानी मुसलमान तसस्सुल का मतलब कनेक्शन,
अलीफ बे ते से इस्लाम की मालूम होगी, अलीफ से शुरू होगा तो ये तक, मतलब ये इसको तसस्सुल बोलते हैं। वो आप मुसलमानों को दीन का तसस्सुल मालूम होगा कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, ये मुसलमान मालूम होगा और इससे कन्फ्यूजन दूर होगा। मुसलमानों को इस्लाम की सही सिक्वेंस का पता चलेगा जिसकी वजह से उनका कन्फ्यूजन दूर होगा और मुसलमानों के जहन में जो इस्लामी मालूम का अंबार लगा हुआ है उसको एक मुफीद तरीके से मुनज़्ज़िम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मसलन एक खजाना है, समझो एक मिसाल दे रहा हूँ, एक खजाना है जिसमें हीरे जवाहरा सोने चांदी कीमती पत्थर के ढेर ढेर लगे हुए हैं। वैसे ही आपके जहन में इस्लाम की तालीमात के ढेर लगे हुए, हर चीज़ कीमती है, हर हर ढेर कीमती है इस्लामी तालीमात की, जैसे वो खजाने में जवाहरात हीरे सोना चांदी के ढेर कीमती है। मगर वो और ज़्यादा कीमती कब हो जाएंगे, जब उसको एक खास तरतीब से जोड़ेंगे, एक जेवर बन जाएगा तो वो ज़्यादा कीमती हो जाएगा। एक जेवर जो रहता, एक हार, एक नेकलेस, वो ज़्यादा कीमती रहता हीरों से, क्यों, तो वो एक खास तरतीब में जोड़ा हुआ रहता। वैसे आपके जहन के अंदर जो इस्लामी मालूमात है उनको एक खास तरतीब से जोड़ा जाएगा तो और ज़्यादा कीमती और मुफीद हो जाएंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। हीरे जवाहरात उतने फ़ायदेमंद नहीं रहते, मगर जेवर एक फ़ायदा का रहता, क्यों, आप उसको पहन लेते, पहनने के बाद उसका फ़ायदा हो जाता और खुशनुमा नजर आता। हीरे जवाहरात को आप हाथ में मुट्ठी में लेकर नहीं घूम सकते, अच्छा दिखता भी नहीं। इस तरह आपके दिमाग में जो मालूमात है इस्लामी तालीमात उनको एक डायरेक्शन मिलेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा, मुफीद बन जाएंगे। इस तरह आपके जहन में बहुत कीमती इस्लामी मालूमात जमा है मगर तसस्सुल और नज़र नहीं है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन है और उस कीमती इस्लामी मालूमात का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मगर अगर आप ये कोर्स उसी मालूमात को, अगर आपकी इसी मालूमात को अगर मुनज़्ज़िम कर दिया जाए, ऑर्गेनाइज कर दें, तो वही मालूमात आपको फ़ायदा देंगी। मसलन नमाज आपको शाख गुजरती है, बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल मालूम होती है नमाज गुजरती है, बल्कि नमाज का वक्त आने आ जाए, मगर ये फ़ायदा ये होगा आपको ये कोर्स करने के बाद, जब नमाज का वक्त आ जाएगा तो आप नमाज का इंतज़ार करेंगे कि दूसरी नमाज कब आती, नमाज का वक्त कब आता, ऐसा इंतज़ार करने वाले बन जाएंगे आप इस कोर्स करने के बाद। आपको एक तसलसल, एक रब्त और एक सिक्वेंस और कंटिन्यूटी मालूम जाएंगी इस्लामी मालूम की। अभी इस वक्त आपके दिमाग में अलग अलग इस्लामी मालूम अलग अलग जगहों पर जमा है, उनमें जो है तो कॉन्टैक्ट नहीं है। आप जितना भी उलमा से वाज सुनेंगे अभी, जैसा ये कोर्स करने से पहले आप जितना भी उलमा से वाज सुनेंगे, आप जितना भी यूट्यूब पर इस्लामी प्रोग्राम देखेंगे, 100 साल तक भी इस्लामी प्रोग्राम देखो यूट्यूब के ऊपर, आप कन्फ्यूज ही होंगे। आप जितने भी इस्लामी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे आप मस्जिद कन्फ्यूज़ होते रहेंगे, जो भी इस्लामी एक्टिविटी है, जो प्रोग्राम है, जो फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और कन्फ्यूज़ होते रहेंगे अभी, अगर ये कोर्स करने से पहले कन्फ्यूज़ होंगे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, समझो अभी आप कॉलेज कोई गया नहीं, कोई लड़का कॉलेज गया नहीं है और आपको उसको अचानक कॉलेज की क्लास में बिठा दिया पकड़ के, और वहाँ पे एक लेक्चरर आना शुरू हो गए, एक तो फिजिक्स का लेक्चरर आया तबैयात का, उसने खूब अच्छा लेक्चरर देख चले गया, बिल्कुल सही दिया लेक्चर, गलत नहीं है जो पढ़ाया, बिल्कुल सही पढ़ाया, देखे चले गया। उसके बाद जो है तो दूसरा लेक्चर आया बायोलॉजी का, उसने जूलॉजी के बारे में खूब बेहतरीन तालीमात देख चले गया। बॉटनी वाला आया, उसने खूब बॉटनी का लेक्चर देके चले गया। उसके बाद केमिस्ट्री वाला आया, उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर सही देके चले गया, चले गया। ऐसा हो गया तो वो लेक्चर बिल्कुल सही होंगे, ऐसा नहीं कि वो उसने गलत पढ़ाया, मगर क्या होगा, वो आदमी का जो है ना कन्फ्यूज़न होगा, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो लड़का जो कॉलेज में कभी गया नहीं। वो वैसे ही मुसलमानों का हाल है कि मुसलमान जो बचपने में जो अरबी पढ़े, मस्जिद में जाके खाली नाजरा कुरान पढ़ने आया, थोड़ा सा टूटा फूटा, वो भी सही नहीं पढ़ते, वो पढ़ने बस सीधा डायरेक्ट नौजवान हो गए, कमाने खाने में लग गए, बड़े हो गए और बाद में मौलानाओं का बयान सुन रहे मस्जिदों में, यूट्यूब पे, कन्फ्यूज़ इसलिए हो रहे। वैसे ही ये बच्चे का मामला है जो कॉलेज में है, वो कन्फ्यूज़ होगा क्योंकि तो उसको तसस्सुल मालूम नहीं है, उसको कंटिन्यूटी मालूम नहीं है, उसको कनेक्शन मालूम नहीं है कि ये उलूम कहाँ से आए, कहाँ ख़त्म होने वाले, क्या हो रहा है। आपने कभी कॉलेज पढ़ा ही नहीं, आपको मालूम क्या होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तबियात क्या है, जूलॉजी क्या है, मगर आपको दिए गए तमाम लेक्चर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं पढ़ा है, मगर वो इल्म आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर इस इल्म पर आपको फ़ायदा चाहिए तो आपको शुरू से अलिफ से अलिफ बे से मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको ये इल्म में फ़ायदा चाहिए तो आपको अलिफ बे से मालूम होना ज़रूरी है। इसको तसस्सुल और रब्त कहते हैं और ये तसस्सुल रब्त आपको ये वीडियो सीरीज़ में आपको मिलेगा, इस्लामिक कोर्स में आपको मिलेगा। आपने इस्लामी रब्त तसस्सुल पैदा करने के लिए मैंने ये निसाब बनाया है। अगर समझो कि कुछ नौजवान हैं, उनको सरकार पकड़ कर, अगर समझ लो कि कुछ नौजवान हैं 10-12, उनको सरकार ने पकड़ लिया, पकड़ कर एक स्कूल में या एक मैदान में या किसी कंपाउंड में बंद कर दिया बाउंड्री में, और उनको रोज़ सुबह फजर से पहले उठा रहे, नहला रहे, धुला रहे, वर्जिश करा रहे, एक्सरसाइज करा रहे, दौड़ा रहे, भगा रहे, दरख्तों पे चढ़ा रहे, खंभों पे चढ़ा रहे, रस्सियों पे चढ़ा रहे, भाले फेंकने लगा रहे और जंप करा रहे, सुबह सुबह फजर से पहले नींद से जगा कर उनको जॉगिंग करा रहे, तो नौजवान बहुत परेशान होंगे, उनको इस भाग दौड़ से बहुत तकलीफ होंगी। मगर अगर उन नौजवानों को अगर पहले से ये बात बता दी जाए कि आप लोगों को जो है ना पुलिस भर्ती के लिए हमने सेलेक्ट किया है,
तो फिर वो नौजवानों में जज्बा आ जाएगा, एक क्या बोलेंगे, एक जोश आ जाएगा, और फिर वो जोश से भागदौड़ शुरू करेंगे। उनको भागदौड़ में फिर कोई तकलीफ और नागवारी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनको पता चल है कि उनको हमारी ये तकदो जो है ना बेमकसद नहीं है। उनको ये पता हो जाएगा बाद में कि हमारी ये भागदौड़ बेमकसद नहीं है, ये तकदो बेमकसद नहीं है, ये रंग लाएंगी इसलिए कि उनके दिल मुतमैन होंगे, क्योंकि उनके दिल मुतमैन हो जाएंगे कि हम उनको पुलिस में भर्ती करने के लिए चुने हुए हैं, और वो खुशी खुशी मेहनतें मशक्कतें बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल उसी तरह हम मुसलमानों को भी इस्लाम का, रसूल का और दीन का मकसद मालूम हो जाएगा तो हमको भी नमाज रोज़े शाख नहीं गुजरेंगे कि नमाज रोज़े और ये इस्लाम के काम फिर हमको भी नागवार नहीं होंगे, कि तो हमको मकसद मालूम। अभी हमको मकसद मालूम नहीं तो फिर खाम खा के 5 बजे उठना और नहाना धोना और नमाज को जाना कितना तकलीफ। तो ये क्यों, मकसद नहीं मालूम है, अल्लाह के वजूद के बारे में कायल नहीं है, अल्लाह ताला मौजूद है या नहीं है मालूम नहीं है, तो ये बेमकसद बातें लगती है। ये कोर्स में आपको ये इस्लाम का मकसद पता चलेगा आगे चलते इंशाल्लाह, और आप अपने काम जो है ना अपने अच्छी तरह से अंजाम देंगे और मंजिल पे खुशी खुशी आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये कोर्स शुरू किया जाता है, अब ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश है, ये गुजारिश ये है कि इस कोर्स को तसल्सुल के साथ देखें। आपसे गुजारिश ये है कि आप ये बीच में गैप ना दें, अगर आप ये कोर्स देखना शुरू किया तो कम से कम गैप दें और जल्दी से जल्दी दूसरा कोर्स उसको देखें, और पहले का अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं है तो थोड़ा सा रिविजन कर लें, ओवरलैप करके देखें, और कोशिश ये करें कि एक निशस्त में, एक जो सा सिटिंग में आप पूरा सा देखने की कोशिश करें ताकि आपको याद रहे। अगर बीच में गैप रहेगा, ज़्यादा सिटिंग में देर हो जाएंगे, पिछला भूल जाएंगे, नया आपको देखेंगे तो उसमें आप याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया जैसा ही है, तो आपको तसल्सुल और कंटिन्यूटी चाहिए इसके अंदर भी। तो आप उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और एक किस्त अगर इसमें किस्त है जो एपिसोड्स रहेंगे, तो पहले एपिसोड का आप फिर से ज़रा रिविजन करके देख के अगर आगे का देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा मकसद इस कोर्स का तसल्सुल बरकरार रखना है, अगर दरमियान में गैप आ जाए तो तसल्सुल बरकरार नहीं रहेगा और आप इस कोर्स से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। ये कोर्स शुरू करते हैं, अब आप सबसे पहले अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लें, कोर्स शुरू कर रहे हैं, अब सबसे पहले आप अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लें, बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह कर लें, और सब किस्म की मिसकंसेप्शन जो है ना सब निकाल दें, किसी किस्म का दिल में दिमाग में गलत ख्याल गलत अकीदा सब निकाल दें। ऐसा समझे कि कोरा कागज़ है, बिल्कुल जैसा आपका नया कंप्यूटर है, उसके डिस्क के अंदर कोई डाटा जमा नहीं है, एकदम नया कंप्यूटर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल की ही बात जो है, एक बात याद रखें कि बात जो है ना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की सही है, और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, वो जो बताए दीन है वही सही है। सदाकत सिर्फ उसी में है जो अल्लाह ने बताया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसके अलावा किसी भी अकीदे में कोई किस्म की सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है किसी किस्म की। हुजूर की बात और कुरान शरीफ की बात, बस दो ही बातें बिल्कुल सही है, सिर्फ कुरान और हदीस सही है, और इस्लाम के अलावा कोई बात सही नहीं है। अगर इस्लाम और कुरान हदीस के अलावा कोई बात भी सही होती, अगर इस्लाम के अलावा कुरान के अलावा और हदीस के अलावा कोई बात भी अगर सही होती, तो अल्लाह और रसूल बताने में हमको कंजूसी नहीं करते, अल्लाह भूल गया बताना या रसूल बताए बगैर उनका इंतकाल हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी बात ज़रूरी थी, मुसलमानों को चाहिए थी, वो हुजूर ने भी बता दिया, अल्लाह ने भी बता दिया, कोई बात को अल्लाह ने भूला नहीं। ये बात दिमाग में रखो कि हमारा दीन कंप्लीट है, इस्लाम एकदम कंप्लीट और परफेक्ट है, इसमें किसी किस्म की नई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने जो बात बतानी थी बता दिया, रसूल ने जो बात बतानी थी बता दी, अब उनके इंतकाल के बाद कोई नई चीज़ ऐसी ज़रूरी मुसलमानों के लिए रह गई, अब हम खोज के लगा रहे निकाल रहे, ऐसा नहीं है। जो बात अल्लाह को बतानी थी अल्लाह तो कभी भूल नहीं सकता, अल्लाह ने भूला नहीं, ना रसूल ने भूले, ना उन्होंने कंजूसी की दोनों ने हमको बताने में, वो बात नहीं बताई, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस बात के पीछे ना पड़े, नई बातों के पीछे, और सिर्फ कुरान और हदीस पर ही इक्तफा करें, कुरान और हदीस के ऊपर ही बिल्कुल ये करें, बस हमको कुरान और हदीस ही चाहिए, किसी किस्म का बात नहीं चाहिए। आप ये ऐसे जिद करें कि हमको कुरान और हदीस से हवाला चाहिए बस, और जान लें कि क़यामत तक हमको कुरान और हदीस के अलावा कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जान लो कि क़यामत के दिन तक, जब भी क़यामत आएंगी, आज से 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल, कभी भी जब भी आएंगी, जब तक सिर्फ हमको कुरान और हदीस ही काफ़ी है, कुरान और हदीस के अलावा किसी भी किस्म की चीज़ की हमको ज़रूरत क़यामत तक नहीं पड़ेगी। ये दिमाग में बात पक्की बिठा लें, कुरान अल्लाह की बात है और हदीस अल्लाह के रसूल की बात है, जो अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है। हदीस क्या है, जो अल्लाह हुजूर सल्लम की ऐसी बात है जिसको अल्लाह ने सिखाया, और कुरान तो डायरेक्ट अल्लाह की बात है। एक बात और याद रखिए कि कुरान क़यामत तक के लिए है, हमको रहनुमाई हिदायत देता रहेगा, और कुरान जो है क़यामत तक के लिए हमको रहनुमाई हिदायत देता रहेगा, और कुरान क़यामत तक, क़यामत के दिन तक उसमें से रहनुमाई और हिदायत हमारे लिए निकलती रहेगी। कुरान कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, कुरान कभी भी आउटडेटेड होगा नहीं, कुरान हर ज़माने के लिए। ये मेरा, मैं अकीदा वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमान होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि कुरान आउटडेटेड नहीं होगा, बल्कि आज भी आप चेक करो, आज के ज़माने के हिसाब से भी कुरान में से चीज़ें निकलेंगी, फ्यूचर के वास्ते भी निकलेंगी, कुरान हर ज़माने के लिए। कल
पास्ट में, यानी माजी के लिए भी उसमें से हिदायत निकलती थी, आज जो प्रेजेंट है उसमें से भी उसमें से हिदायत निकल रही है, और कल आने वाले मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के वास्ते भी उसमें से हमारे लिए रहनुमाई निकलती ही रहेंगी। और कुरान हदीस से ज़्यादा सच्ची बात इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, कुरान और हदीस से ज़्यादा सच्ची बात इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, ये बात दिमाग में बिठा ले, ये कोर्स करने पर सिर्फ कुरान और हदीस ही की बात सच्ची है, और सिर्फ कुरान और हदीस ही हमारे लिए काफ़ी है, कुरान हदीस ही हमारे लिए सफिशेंट है बिल्कुल, और कोई चीज़ हम कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और कुरान और हदीस के अलावा कोई भी चीज़ हमारे इस्लाम नहीं है, कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज़ इस्लाम नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ इस्लाम है ही नहीं, कुरान और हदीस ही इस्लाम है। अगर हमको कुरान और हदीस के अलावा किसी ज़र्रा बराबर चीज़ की भी ज़रूरत होती तो हमारा अल्लाह उस चीज़ से नावाकिफ़ नहीं था, अगर हमको ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो अल्लाह को मालूम नहीं था क्या, अल्लाह तो उसे नावाकिफ़ था ही नहीं, और ना हमारे रसूल ने हमको वो बात बताने में कंजूसी की, अगर वो बात अगर ज़रूरी होती तो रसूल सल्लम ने छुपाया नहीं उसको, कंजूसी नहीं की उन्होंने, इसलिए ये बात जहन में रख लें कि हमारे लिए सिर्फ कुरान और हदीस काफ़ी है, और बस इतना ही बस है, ना हमारे रसूल ने हमें कोई ज़रूरी बात बताने में कंजूसी की, ना हमारे अल्लाह ने हमें कोई इस्लामी ज़रूरत बात बताने में कंजूसी की, इसलिए जो अल्लाह और रसूल ने बताया है बस उसी बात पर कायम रहें और कुरान हदीस की बातों पर अमल करें। ये सबक शुरू करने से पहले ये सोचें कि हम कहाँ हैं इस दुनिया में, ये सोच लीजिए सबक शुरू करने से पहले आप जहन में ये बात रखें कि हम कहाँ पे हैं, इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं, कितने मज़हब हैं, कितने कौम के लोग हैं, और ज़मीन कैसी है या आसमान कैसा है, कुछ लोग बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोग जो है तो दरमियान में हैं, कुछ नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अजाब है। अब ये सोचें कि आखिर हमारी ज़िंदगी क्या है, अब आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा हमारा हमारा दीन क्या है, सर दीन हमारा खाली नाते गाना, शेर शायरी पढ़ना, वाहवाही करना या ऐसे जुमले बोलना, ऐसा दीन हमारा नहीं है। आजकल जो लोग जो है ना प्रोग्रामों में वाहवाही बटोरने के लिए ऐसे जुमले बोलते हैं, हाँ जो लोगों को पसंद आते हैं और लोग तारीफें करते हैं, इस्लाम गाने बजाने और बड़ी बड़ी टोपियाँ पहनने का नाम नहीं है, ना उम्रे बार बार करने और कुरान हदीस के फेस्टिवल करने का नाम है। ये क्या है ये जानने के लिए आए इस कोर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार और बार बार सुने, एक बार नहीं बार बार इस कोर्स को आप सुने, देखें वीडियो, दूसरों को बताएं, नौजवान खातिन दोस्त अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ना शामिल करें, ये कोर्स सबके लिए एक सा मुफीद है। इस कोर्स में जो मवाद फराहम किया गया है वो अकल और शऊर वाला है, इसलिए ये कोर्स कम से कम उनकी जो उम्र है देखने वालों की 15 से ऊपर होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए, 15 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि तो इसके अंदर जो बातें हैं बिल्कुल एक समझदार मैच्योर लोगों के लिए बातें हैं, मुसलमानों के लिए 15 साल की उम्र से कम बच्चों के लिए जहन में वो ख्यालात पैदा नहीं होते, 15 से कम रहते वो उनको दर से निजामी वाला कोर्स सही है उनके लिए, मगर 15 से ऊपर वाले जो मुसलमान हैं उनके दिमाग में किस्म किस्म के सवालात पैदा होते, अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से भी सवालात पैदा होते, आखरत के ताल्लुक से भी पैदा होते, जन्नत दोजख के ताल्लुक से भी सवालात पैदा होते जो बड़ों के, 15 साल से कम वाले जो बात बता दिए मान लेते, इसलिए उनके लिए दर्स निज़ामी ठीक है। आज के दौर से मुताबिक रखने वाला ये कोर्स है और आज के हालात और ज़रूरियात का लिहाज रख के ये कोर्स तैयार किया गया है, इसमें जदीद साइंस के तमाम नज़रियात से अल्लाह के वजूद को साबित किया गया है, बड़े इंसानों के जहन में जो जो सवालात आते हैं उन तमाम का खतई और हतवी जवाब इसमें दिया गया है, इस कोर्स में दिया गया है, और किसी सवाल को उधार नहीं रखा गया है, जो भी सवाल आपके दिमाग में आएगा ये कोर्स में कोई भी सवाल आपका उधार नहीं है, उसका जवाब इसी मुकाम पर आपको दिया गया है। इल्म साइंस, इल्म नफ्सियात, इल्म इक्तसादियात और तमाम उलूम से इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात ख्वातिन हजरात इस कोर्स को पूरी तवज्जो से सुने और अपना ख़ास वक्त निकाल कर इस कोर्स को सुनना पड़ेगा, आपको इस पर गौर करना है, आपको ये कोर्स सुनना भी है गौर करना। इस कोर्स के लिए तकरीबन 3 महीने से अखबार में इश्तहार दे रहा था मैं, तकरीबन 3 महीने से इसका इश्तहार, इसके जो एडवर्टाइज ये कोर्स के तालुक से दिए गए थे और महलों में कार्ड भी तकसीम किए गए थे, लेकिन अब इस कोर्स को आम करने की गर्ज से इंटरनेट पर भी डाला जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़िद हो सके। इस कोर्स में हर जगह कुरान और हदीस के हवाले रेफरेंस दिए गए हैं ताकि आप खुद इस क्रॉस चेक करके हकीकत मालूम करें, और इसके तारुफ के आखिर में एक बात फिर याद रखें कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है, अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कुरान में बोला अल्लाह ने मैंने इसको परफेक्ट कर दिया, इसकी मतलब परफेक्ट मतलब इसके बाद कोई चीज़ इसमें ना ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है, या इसमें ना कोई इस्लामी कोई चीज़ डाल सकते हैं ना निकाल सकते, अल्लाह ने खुद बोल दिया कि मैंने इसको मुकम्मल कर दिया। कहाँ बोला? अलमाइदा में, सूरह अलमाइदा कुरान के आयत नंबर 3 है, अल योम अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नियामती व रज़ैतु लकुम इस्लाम दीना। इसका मतलब अल्लाह बोला कि आज का दिन मैंने तुमको, आज का दिन ये कौन सा दिन था,
हुजूर का जो हजरत विदा जो आखिरी हज किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ने बोला कि आज का दिन मैंने इस्लाम को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और तुम्हारे लिए जो है ना अपनी नेमत पूरी कर दिया, जो अपनी नेमत थी दीन की वो ख़त्म कर दिया, पक्की कर दिया, और जो है ना तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पे मैं राज़ी हो गया। इसका मतलब है कि इस्लाम कम्प्लीट हो गया, अल्लाह कह रहा है रबा। और अगर कोई ये समझता है कि 1440 साल पहले इस्लाम मुकम्मल हो गया, तो अब समझो अब वो पक्का मुकम्मल हो गया, अब इसमें कोई शख्स जो है ना कमी ज़्यादा नहीं कर सकता। अब इस्लाम में किसी भी बात की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होती तो अल्लाह ये हरगिज़ नहीं कहता कि मैंने इसको मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने कह दिया, इसका मतलब है कि बिल्कुल सच कहा। अब हमें इस्लाम में किसी भी नए फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नए नज़रिए की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नई मजहबी एक्टिविटी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मजहबी एक्टिविटी इस्लाम में हुज़ूर के ज़माने से चल रही है, बस वही काफ़ी है। अब इस्लाम में कोई चीज़ ना निकाली जा सकती है, ना इस्लाम में कोई चीज़ दाखिल की जा सकती है। अब इस्लाम में कोई चीज़ ना निकाल सकते इस्लाम में से, ना कोई नई चीज़ दाखिल कर सकते, क्योंकि वो कम्प्लीट अल्लाह ने बोल दिया। यानी इस्लाम बिल्कुल सील बंद हो गया है, सील हो गया इस्लाम बंद। अब कोई बात ना इस्लाम में से माइनस कर सकते हैं, ना कोई ऐड कर सकते। अब हम सिर्फ इस्लाम को सीख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम इस्लाम को सीख सकते हैं, कुरान को पढ़ सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं, और हदीस पर गौर कर सकते हैं, हदीस पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत हदीसें हैं, हदीस की बहुत सी किताबें हैं, और इल्म हासिल करने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। और अभी हमको क्या करना है, इस्लाम की रूह से इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर फ़र्ज है। अभी हम कोर्स का ये तारुफ ख़त्म हो गया, अब इंशाल्लाह सेकंड सेक्शन जो है सेकंड फिस्ट, अब इसके अंदर डायरेक्ट इस्लाम ये कोर्स शुरू हो जाएगा, ये वाला कोर्स, और इसका पहला चैप्टर इंशाल्लाह शुरू होता है इंशाल्लाह।